चलिए जी, गुड इवनिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक नया आया था हमारे पास। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले थे, आज रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको अभी समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का नेम भी है, फॉर्मूले का नेम भी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट वो चीज होती है जो मेरी प्रॉपर्टी हो या मुझे कहीं से पैसा मिलना हो, दैट इज एसेट। कैपिटल वो होता है जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, जो ओनर लगाता है, वो होती है कैपिटल। लाइबिलिटी वो होती है जो हम बाहर वाले लोगों से ले लेते हैं। तो बिजनेस चलाने के लिए दो तरह की फंडिंग होती है, एक जो पैसा मालिक लगा देते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, एक वो पैसा जो हम बाहर वाले लोगों से ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया, किसी और बंदे से उधार पे ले लिया, या सामान क्रेडिट पे ले लिया। तो दो तरह की फंडिंग होती है बिजनेस में, या तो अपना पैसा लगा दो उसको कैपिटल बोलते हैं, बाहर वालों से उधार लेकर ले लो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ कर दूं तो मेरे पास टोटल इतने का कैश होएगा ना दुकान में, तो उसको बोला जाता है एसेट। तो एसेट का फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल प्लस। अब इसी फॉर्मूले को मेरे को तोड़ मरोड़ के बोलना हो, अगर मेरे को ये बोलना हो कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लाइबिलिटी को इस तरफ ले जाओ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ऐसे ही अगर मेरे को लाइबिलिटी को डिक्टेट करना हो, लाइबिलिटी क्या बनेगा, तो फॉर्मूला वही चल रहा है पहले वाला ही, कैपिटल को इस तरफ लेके चले जाओ, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो इसको कहने के लिए तीन फॉर्मूले भी कह सकते हो, या फिर इसको कहते हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी बना दो। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपका घर कॉर्नर पे है, आसपास की तीन चार गलियां भी होती हैं, तो चाहे पहली गली से चले जाओ तब भी आपका घर आ जाएगा, दूसरी गली से भी घर आ सकता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन को टोटल 3 टाइम्स हम मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को अपने बैलेंस शीट में डालना होता है। बैलेंस शीट क्या होती है, जहां पे एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल को इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा और लाइबिलिटी को, एसेट्स को इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस ओनर ने लगाया है, लाइबिलिटी वो पैसा जो बाहर वाले लोगों ने लगाया है। इन दोनों का टोटल कर दें, जैसे मैंने कल एग्जांपल ले ली थी 3500 प्लस 6500, तो एसेट्स का टोटल हो गया 10,000। तो फॉर्मूला क्या बना, एसेट इज इक्वल टू, बोलना एक बार, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, इसी के ऊपर हमने कल दो तीन क्वेश्चन भी देखे थे छोटे छोटे। अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला है थोड़ा सा मजेदार, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट कैसे निकालते हो, टोटल तीन तरीके से। एक तो पहला है शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, जेब में पैसा लगाया था 200 रुपए बिजनेस में स्टार्टिंग में, रात को शटर बंद किया, गल्ले में से पैसा काउंट कर रहे, 270 निकले थे, तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 70 का। तो फॉर्मूला क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला हुआ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक फॉर्मूला होता था बड़े वाला, लॉन्ग फॉर्मूला, उसमें कैसे कैलकुलेट करते थे, उसमें ये फॉर्मूला था, याद है कौन सी एग्जांपल, जब मैं मैजिशियन बना था, जब मैंने वो जादू की छड़ी घुमाई थी, मेरा बर्थडे था, पापा पैसे दे के गए, फिर मैं दुकान पे गया, मम्मी ने नजर रखी हुई थी, मम्मी ने पैसे ले लिए। तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, ओपनिंग कैपिटल जो मैंने बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाए, प्लस एडिशनल कैपिटल जो मैंने और लगाए, तो 500 प्लस 200 700 हो गया। कुछ पैसा मैं ड्रॉइंग विड्रॉ करके बिजनेस में से चला गया, हमारी एग्जाम्पल में था, जो मम्मी ने पैसे ले लिए थे सब्जी खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए पैसा लगाया था 700, 150 मम्मी लेके चली गई, तो बाकी कितना पैसा बच गया, तो 550 रुपया होना चाहिए था ना बिजनेस में, लेकिन मैंने बिजनेस में सेल परचेज भी करी, माल खरीदा बेचा, लास्ट में मेरे पास पैसा कितना निकला कैपिटल का, 750। लगाए थे 550, निकले 750। क्या कल वो वही वाले थे जो मैंने जादू की छड़ी घुमाई थी, क्या जादू की छड़ी घुमा के प्रॉफिट निकलता है, नहीं सर, जादू की छड़ी से नहीं निकला था, पैसा निकला था बिजनेस करके, लगाया था 550, लास्ट में पूरे साल के बाद में जब कैलकुलेट किया तो निकला 750, तो बाकी 200 रुपए क्या था आपका, प्रॉफिट। तो देखा जाए फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना, देखो फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉफिट का नहीं है बेटा, फॉर्मूला यहाँ पे ना क्लोजिंग कैपिटल का है, लेकिन क्वेश्चन जान के आपको ये वाली फिगर मिसिंग कर देगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्लोजिंग कैपिटल का। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एडिशनल कैपिटल, सॉरी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल वो होती है जो लास्ट में बिजनेस में बच गई। एक और फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, सबसे सोखा सबसे आसान, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। मैंने पूरे साल मेहनत करके 1500 रुपए कमाए, लेकिन मेरा 1100 का खर्चा भी तो हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 400। 1500 रुपये मेरा प्रॉफिट नहीं है, 1500 तो मेरी टोटल इनकम है। इनकम अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज। प्रॉफिट वो जो आपका मार्जिन लास्ट में बच गया खर्चा देने के बाद। एक बार के लिए तीनों फिर से डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पहले शॉर्टकट फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। फिर बड़े वाला फॉर्मूला प्रॉफिट का नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल का है, ओपनिंग प्लस, बोलो जल्दी से, ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और तीसरा फॉर्मूला तो बड़ा ही सोखा था, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। आज इसी के क्वेश्चन करेंगे, यही तीनों के आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कल देखो लास्ट कौन सा किया था। ठीक है, आज मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। स्नेहा एक काम करो बेटा, ये फाइल उठाओ, एक फाइल देखना, दो पड़ी हैं उनको दे दो फाइल। हाँ ये वाली देखो, प्लस वन की है ना, ऊपर लिखा होगा टॉप पे, सबसे ऊपर टॉप पे राइट साइड पे, उनको दे दो। करें जी शुरू करें, क्वेश्चन नंबर है 34 का, नहीं नहीं 33 हो गया। इज्जत क्वेश्चन नंबर 34। अगर कैपिटल बिजनेस की है 5 लाख, एसेट्स है 6 लाख, कैलकुलेट द लाइबिलिटी। बस खत्म, अब इसको कॉपी पे करना, रहन दो यार, इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है लाइबिलिटी का? एसेट माइनस कैपिटल, 1 लाख, खत्म। 34 का ए, एसेट्स है 2500 रुपए की, कैपिटल है 8 रुपए की, 17, खत्म जी। ये लो जी, बच्चे ऐसे हो तो मजा ही बढ़ाते हैं। 35 भी हो जाएगा यार, सेम है। 35 का ए देखो, 35 का ए, टोटल एसेट्स है 15 लाख की, लाइबिलिटीज है 3 लाख की, कैपिटल कैसे निकलेगी? 12 लाख। कैसे निकला? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, कुछ भी नहीं है। क्या सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? यस, कभी कभी। इधर सुनो यार मनकीरत, मैं अंक इधर सुन। कभी कभी हमें पता है क्या लगता है कि ओवर इजी चीज हो ना, बहुत आसान चीज हो, वो पेपर में आती नहीं है, तो ऐसा गलत है। पेपर में कई बार ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ आपको एसेट लाइबिलिटी देंगे। अब आप उस पॉइंट, उस स्टूडेंट के एंगल से सोच के देखो, जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन या प्रॉफिट का फॉर्मूला सीख ही नहीं रखा, उसको बोलो कि एसेट इतनी है, लाइबिलिटी इतनी है, वो तो कहेगा पता नहीं क्या ही है। आप अपने घर पे जाके पेरेंट्स से पूछो, पापा एसेट इतनी है, कैपिटल इतनी है, बताओ लाइबिलिटी कितनी है, उनके लिए तो पहाड़ है ना। आप लोगों, हाँ आप लोगों के लिए आसान इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है। अब जैसे मेरे जैसे नलायक से पूछो H2O को क्या क्या बोलते हैं, मैं कहूंगा पानी। अभी बच्चे मेरे को एक और सिखा के गए थे, O2 ऑक्सीजन। इसके बाद अगर आप मुझसे कुछ पूछ लो, हैं H2O4 CH3O4, तो मैं तो उस चीज में अनपढ़ हूं। और जो अभी अभी 10th पढ़ के आए हैं वो कहेंगे यार क्या सर इतने नलायक हैं, इनको ये भी नहीं आता। क्योंकि जब चीज मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पढ़े हुए 15-15 साल 10 साल हो गए, मेरे को याद ही नहीं। ये तो एक मैंने बचपन से याद कर लिया था कि मैं ये बता सकूं कि मैंने 10th तक भी पास किया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने H2O याद कर लिया। फिर पिछले साल +2 का बैच था, वो मेरे को O2 याद करवा गए, O2 ऑक्सीजन होती है ना, तो ये याद करा गए। अब 1 घंटा पहले मेरे को बच्चे याद करा रहे थे +2 वाला, उन्होंने ऑक्सीजन के बाद एक और बताया था कोई सोखा सा, CO2 बताया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड गया। तो मैंने उनको कह दिया रहन दो, मेरे लिए अभी 2 बहुत हैं, इन 2 को मैं 1 साल चला लूंगा, अगले साल सीखूंगा। कौन सा? ना भी ना भाई, समझाने आप मेरी भाव इधर आप मेरी भावनाएं समझो ना। मेरे समझाने का मतलब ये है, जो चीज आपको आती होती है वो बहुत आसान हो जाती है आपके लिए, तो आसान चीज भी पेपर में आती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39,
1 अप्रैल 2016, ऑन 1 अप्रैल 2016 कैपिटल इज 2 लाख। जब 1 अप्रैल दिया हो तो इसको बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल, लिख लो ऊपर। 1 अप्रैल हमारा साल कब शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है, तो इसको बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो 1 अप्रैल 2016 के ऊपर लिखो ओपनिंग। तो बिजनेस में हमने पैसा लगाया 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ओनर ने बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 25,000। मेरे को बताओ 2 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया, 25,000 और जोड़ा, टोटल कितना हो गया 2,25। विड्रो, वो दुकान में से ना पैसा विड्रो करके पर्सनल यूज के लिए घर लेके चला गया, तो माइनस हो जाएगा, कितना रह गया 2 लाख, 2,15,000। उसने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया 55,000, 2,70,000। कैलकुलेट द कैपिटल लोन 31/3/17, 1/4/16 था उसका, 1 साल कब खत्म होएगा 31/3/17 को, तो मतलब उसको क्या बोला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ये कैलकुलेट करते हैं। वर्बली आपने कैलकुलेट कर लिया 2,70,000, 99% ओके। आप कॉपी पे करेंगे, निकालो जी कॉपी 39, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, लिखो जी कैलकुलेशन ऑफ। मेरे भाइयों ने पहले ही बता दिया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, लिखो जी ओपनिंग कैपिटल ऑन, क्या डेट थी 1/4/16 थी ना ओपनिंग कैपिटल, ऑन 1/4/2016 कैपिटल लगाई थी हमने बिजनेस में 2 लाख। ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में और पैसा लगाया 25,000 पे लगाया था, करना ही कॉपी पे, इसमें से माइनस कर दो ड्रॉइंग्स, जो पैसा हम बिजनेस में से लेके चले गए कितना 10,000। इस जो कॉपी पे कर रहे हो ना, देखो अच्छा कर लिया, फॉर्मूला भी लिखा है जैसे मैं लिख रहा हूं, और ऐड कर दो इसमें प्रॉफिट। बिजनेस में देखना प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, फिर अगर सर लॉस हुआ हो तो माइनस कर देना, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट देखना कितने 55,000, बस निकल गया आंसर क्लोजिंग कैपिटल का। एक बार चेक कर लो 270 आ रहा है, जो ड्राइंग का पैसा है वो माइनस हो जाएगा ना, क्या बिजनेस में से पैसा निकाल के जा रहे हैं, जो बिजनेस में पैसा डालेंगे या प्रॉफिट होएगा वो जमा होता चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू होगा। इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल था, सीधा फॉर्मूला लग गया। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2022, पहले बताओ ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ओपनिंग, कितनी कैपिटल है 8 लाख। ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख, टोटल कितना हो गया 9 लाख। कितना विड्रॉ किया, तो बाकी रह गया 8.5 लाख। लेकिन क्वेश्चन में अब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 12 लाख, कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछ रहे, पिछले क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल पूछी थी, अब उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दे दी तो प्रॉफिट पूछा, 4 लाख गलत आंसर है। अभी देख लेते हैं, 4.5 भी मेरे को तो गलत लग रहा है, अभी देख लेते हैं, करो जी करो, ऊपर लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मेरे को ये बताओ ये प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, शॉर्टकट या लॉन्ग वाला, लिखो जी लॉन्ग फॉर्मूला। 3.5 मेरे को शायद ठीक लग रहा है, तूने पिछला कर लिया कॉपी पे, दिखाइयो पूरा पूरा लिखना है, मैं वही बोल रहा हूं। अब देखो इसको, ओपनिंग कैपिटल कितने की थी यार, 8 लाख की, हमने एडिशनल ऐड किया तो ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, 50 क्या कहते स्नेहा और पलक, आप ये सारा कुछ लिख रहे हो ना साथ साथ पूरा पूरा, माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस ड्रॉइंग 50,000। अब इधर देखो मैंने ऐड प्रॉफिट की ना जगह छोड़ दी, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल थी 12 लाख रुपए की, देखना या 13 लाख की थी,
अब देखो 8 लाख रुपए इधर देखो, 8 लाख बिजनेस में लगाया, 8 लाख बिजनेस में लगाया, 1 लाख रुपए एडिशनल लगाई, टोटल कितना होगा 9 लाख, 50,000 विड्रॉ कर लिया। ये जो 850 है ना, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या करता हूँ, ब्रैकेट करके ना साइड पे लिख लेता हूँ कि मेरी जो कैपिटल है वो 8.5 लाख होनी चाहिए, जो जेन्युइन है। 8 लाख लगाया, फिर 1 लाख लगाया, 9 लाख, 50,000 दुकान में से निकाल के चले गए। अगर मैं सही मायने में देखूं तो 8.5 लाख रुपए होना चाहिए ना। मेरे को एक बात बताओ, पूरे साल में आपने बिजनेस भी तो किया होगा, कस्टमर को सामान भी तो बेचा, तो लास्ट में जब मैं कैलकुलेट करने लगा तो देखा मेरे पास पैसा निकला 12 लाख, तो बाकी कहां से आएगा, प्रॉफिट में से। तो चाहो तो इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया। अब एक बार बताओगे 3.5 आ रहे हैं 4.5, तो 3,50,000 जो है मेरा प्रॉफिट है। ठीक है जी, सुख है, हो गया नोट डाउन, देखना। चले जी आगे, 40 का ए अपने आप करो, सेम ऐसा ही है, 40 का ए अपने आप ही करो, 8, 9, 9 में से 8.5, देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं। बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 5-5, 6-6 बुक्स को सामने रख के। 1.5 लाख का लॉस, एक आंसर आया है, गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। चलो एक आंसर है, 1.5 लाख, बाकियों का देखते हैं क्या आता है। मनन जो है ना, मतलब छोटा मोटा घाटा नहीं, सीधा 1 लाख का घाटा, पिछले क्वेश्चन में 3.5 को 4.5, इस क्वेश्चन में 2.5 को। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल थी 8 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख, तो 9, 50 माइनस कर दिया 8.5 लाख, लेकिन क्वेश्चन में बाद में कैपिटल निकली 6 लाख, तो सोच के चलो पैसा डाला था 8.5 लाख, निकला 6 लाख, तो बाकी क्या होगा लॉस। इधर देखो ना, इधर देखो, सारा क्वेश्चन सेम है, यहां पे देखो ये 41, ये तो 8.5 लाख आ ही रहा था, क्लोजिंग कैपिटल आ गई थी 6 लाख। अब सोच के देखो 8.5 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन लास्ट में निकला 6 लाख, तो बाकी क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो गया होगा, तो इसलिए माइनस कर दो, प्रॉफिट की जगह माइनस कर दो लॉस, 2,50,000। इन 3 क्वेश्चंस में अगर डाउट है पूछो, नहीं तो आगे चले, फिर धीरे धीरे मैं अपना लेवल, फिर आगे क्वेश्चंस का लेवल भी तो बढ़ाएं, करें आगे लेवल। मयंक ओके है, जसप्रीत डाउट है क्या, हाँ मन किरे डाउट है, आगे समझ हाँ अब आएगा मजा। 41 यार, अब ना बातें मत करना, नहीं तो अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, ठीक है वही क्वेश्चन प्रॉफिट को, बस फॉर्मूले को थोड़ा मोल्ड किया हुआ है, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, बस क्वेश्चंस के पैटर्न वही है, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब पढ़ के देखो, 31 मार्च 2016, अब बताओ ये ओपनिंग ईयर है या क्लोजिंग है, 31 मार्च लिखो पहले ऊपर, ये क्लोजिंग है। अब बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों फॉर्मूले मिक्स होने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, प्रॉफिट का फॉर्मूला या छोटा हो सकता है या बड़ा, अब दोनों मिक्स हो रहे हैं। टोटल एसेट्स कितने की है और टोटल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है लाइबिलिटीज, तो 2 लाख की एसेट्स है, 6,000 की क्या है लाइबिलिटीज क्लोजिंग में, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैपिटल। आगे पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर, मनकिरत बहुत बोल रहे हो आज, क्या हो गया। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल 20,000, विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग दी हुई है, ही मेड अ प्रॉफिट 56,000। कैलकुलेट देखो क्या करना है, कैपिटल ऑन 1/4/2015, मतलब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्या आई है ओपनिंग कैपिटल, पहले खुद ट्राई मारो एक बार के लिए। गलत है, टोटल एसेट्स कितनी हुई है,
हाँ हमारा पिक्चर कैश तो आएगा ही, यस तो लाख कैश होगा बिल्कुल। हमारा। उसके बाद 2 लाख में से हमने ओपनिंग हो गया, हमारा 2 लाख हमारा ओपनिंग हो गया। गलत है यार, गलत है, 2 लाख हमारा ओपनिंग हो गया ना, 2 लाख ओपनिंग नहीं, कैश मैं कैश देख रहा हूँ। सर टोटल कौन सा कैपिटल मेरे पास? तो आंसर आ गया, कितना? क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही है, यही है, क्या रहा है नलायक कहते, यही है उसका आंसर आ गया, आंसर 130 आ गया। मेरे को नहीं पता तुक्के से आया या जैसे भी, पर आंसर सही है 130। लगाओ दिमाग। आनिक, आनिक या मानिक? आनिक है ना, आपने पहले कर रखे ये टॉपिक, सही बताना, ये अभी अपने आप अभी ट्राई की है, मतलब उसके अलावा देखा हुआ ये क्वेश्चन के? नहीं, गुड वन भाई साहब, पहले दिन आके उसने ओवरकम कर दिया पूरी क्लास को, मतलब ये मतलब स्कूल छोड़ो, मेरे को तो कुछ नहीं देखना होता, सभी को मैं सेम इक्वल समझा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। कार्तिक आंसर आना चाहिए भाई, डंडा पड़ेगा नहीं तो। स्नेहा आप तो ट्राई नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ इधर देख रहे हो, करो ना फिर, इसका मतलब आप तो डिपेंड हो रहे हो मेरे पे कि सारा मैं कराऊंगा ना, पहले खुद एफर्ट तो करो। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है? सीख लो जी, शुरू से सीख लो ये वाला टॉपिक, क्योंकि ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं थोड़े से चित्र बना के, ड्राइंग बना के आपको सिखाता हूँ। इधर देखो, अब यहाँ पे बोर्ड पे समझ लो कि इसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ओपनिंग ईयर कौन सा है मेरा और क्लोजिंग ईयर कौन सा है, 31/3/16 हो गया क्लोजिंग। अब बताओ इसका ओपनिंग साल क्या होगा, 1/4/15 को, ठीक है जी, ये साल है, पूरे साल के टाइम है। अब पहली लाइन में देखो, मेरे को डेटा 1/4 का दिया हुआ है, ओपनिंग का या क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग का। अब क्लोजिंग में देखो एसेट्स कितनी गिवन है, बताओ मेरे को, लाइबिलिटीज कितनी गिवन है, तो अगर एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूं क्या आ जाएगा, इस कैपिटल को मैं पता है क्या बोलूंगा, क्लोजिंग कैपिटल। यार जो कैपिटल में साल के लास्ट में, इसको ओपनिंग ईयर बोलते हैं, इसको क्लोजिंग ईयर, तो जो कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल निकलेगी उसको क्या कैपिटल बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, मनन जो आपका आंसर था ना बेटा वो ये था, वो क्लोजिंग कैपिटल थी। अब आपने मेरे को बताओ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोजिंग कैपिटल से मूव ऑन करके आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, ठीक है, बीच में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ड्रॉइंग भी, एडिशनल भी। आपको प्रॉफिट का बड़े वाला फॉर्मूला आता है ना, ठीक है, अब इधर मैं लिख रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज किया, इसी क्वेश्चन में बड़े वाले फॉर्मूले को भी यूज कर रहे हैं। ये देखो स्क्रीन भी रुक गई है भाई साहब, चल जाओ सीधा ऑनलाइन बेइज्जती करवाओगे, चल गई। इसी क्वेश्चन को अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ना बड़े वाला, उसी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला तो अब टिप्स पे होना चाहिए, मयंक समझ ले बेटा, समझ ले पहले, जो जो नई चीजें समझा रहा हूं तो पहले समझ लिया कर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब मेरे को बताओ जो जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना, मेरे को बस फिल करवा दो और कुछ मत करो। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली है, ये लो जी फिल कर दिया, 1,94,000। प्रॉफिट कितने, अब इधर ध्यान से सीख लो, एक मिनट मेरी बात सुनो, इधर
गुरलीन यहाँ पे बेटा अब ध्यान से बात सुनो, अगर तो मेरे को सीधा फॉर्मूला लगाना होता, जसप्रीत पहले समझ लो, अगर सीधा फॉर्मूला लगा होता तो पता है क्या होता, डेटा ऐसे गिवन होता, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होती, इसको प्लस करके, इसको माइनस करके, इसको प्लस करके आप आंसर निकाल लेते। अब ध्यान से सुनना जो लाइन बोलने वाला हूं, क्वेश्चन की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 194। याद रखना ये 194 तक पहुंचते पहुंचते ना, 194 तक पहुंचते हुए ये प्लस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, तभी तो ये आया होगा पॉजिटिव फॉर्मूला। पॉजिटिव मतलब सीधा फॉर्मूला ऐसे ही तो लगा होगा। अब मेरे को बताओ, मेरे को अब ऊपर से नीचे जाना है कि नीचे से ऊपर? अब मेरे को नीचे से ऊपर जाना है, तो जो जो चीजें आपने ऐड कर रखी है उसको माइनस कर दो, जो माइनस कर रखी है उसको ऐड कर दो। अगर तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती, मतलब कि सीधा फॉर्मूला, फिर तो ऐसे ही जो आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल निकली हुई है, आपको रिवर्स जाना है, वापस जाना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सीधा, हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाऊं, वापिस आने के लिए मेरे को सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा या वापिस आना पड़ेगा? सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा ना, रिवर्स गियर कराना पड़ेगा। तो ये वही है, जो जो चीजें मन की, किसकी आवाज आ रही है, जो जो चीजें आप प्लस कर चुके हो यहां तक पहुंचते हुए, पता है कहां तक पहुंचते हुए, मंजिल हमारी थी 194, यहां तक पहुंचते हुए आप ऐड पता है किस किस को कर चुके हो, एडिशनल कैपिटल को, प्रॉफिट को, उसको माइनस कर दो। माइनस किसको कर चुके हो, ड्राइंग को, यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब आपको रिवर्स गियर है, तो जो जो माइनस थे उसको प्लस कर दो, जो जो प्लस थे उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 194 में 56,000 को माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा 130,000। सर सीधी सी बात है, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उल्टा फॉर्मूला लगा दो। उल्टा फॉर्मूले का मतलब ये होता है, माइनस वालों को प्लस कर दो, प्लस वालों को माइनस कर दो। स्नेहा ओके है, समझ आ गया? कर सकते हो, अलाउड है वो भी। मैं आपको इसलिए नहीं वो सिखा रहा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मूले लेके चल रहा हूं, उसी फॉर्मूले में हमने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल देते हैं, इसी फॉर्मूले में जो आपकी स्क्रीन पे है ओपनिंग भी इसी से निकाल देते हैं, प्रॉफिट भी इसी से निकाल देते हैं। इस वजह से मैं जान के ही एक फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आपको किसी और एंगल से समझ आता है तो पेपर में अलाउड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आ रही है 9 लाख थोड़ी आएगी, ओपनिंग कैपिटल 9 लाख आएगा। क्यों से क्वेश्चन में, चाचा चलने तो दे आगे, मैं अभी उसी पे था, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक हो सकता है। मोदी जी स्टार्टेड बिजनेस विद 1/4/22 को, यानी कि ओपनिंग पैसा है 10 लाख रुपए लगाया, 31/3। हाँ ये तो देखा जाए, वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लग गया, कौन सा फॉर्मूला लगा इस पे, फॉर्मूला बोलो ना, नलायको ध्यान दो, सबसे ज्यादा जल्दी आंसर आने दे रहा है, उसका पहला दिन है। और मनकिरा तू बोली जा रहा है, क्या चक्कर है, सीट चेंज करनी पड़ेगी आज का दिन तेरी। परम देख रहे आपको 42 क्वेश्चन समझ आए, क्या फॉर्मूला लगा इस पे, कौन सा फॉर्मूला बोलो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 19 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 10 लाख, तो 10 लाख में से 19 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, 9 लाख। टिक करो 41 को, 42 को टिक करो। चैप्टर के जो आखिरी दिन होते हैं ना, मैं बच्चों से क्वेश्चन करवाने शुरू कर देता हूँ, तो बोर्ड पे पहली बारी मेरे को लग रहा है परम इसकी आएगी, मनकीरत की। मनकीरत बोर्ड देख खाली पड़ा होता है उधर, पहली बारी तेरी आएगी। बोर्ड पे करना है या कॉपी पे, जल्दी बता, कॉपी पे, तो बिना बातें करिए। 43 मोदी जी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/22 कितना निकाल ली है। हाँ अभी पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ने दो। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख से। इधर देखो 31/3/23 मेरे को बताओ, इसमें से ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है, पहले ये बताओ। पहले वाला ओपनिंग है, क्लोजिंग की उसकी एसेट्स है 1580, लाइबिलिटी इतनी है, फाइंड आउट द। इधर देखो, इधर देखो,
जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग हो पहले ऐसा डेटा बना लिया करो, कौन सा साल है, 1/4/2000, 1/4/22 था क्या, आनिक ईयर देखो यार, साल कब खत्म होएगा, 23 पहले देखो आपको ये डेटा लिखना आ रहा है, ओपनिंग कौन सा होता है 1/4/2022 वाला, क्लोजिंग कौन सा होगा 1/4/16 वाला। अब क्वेश्चन में देखो हमें एसेट लाइबिलिटी कौन सी डेट की गिवन है, 31/3/23 की, पहले रीड आउट करना सीखो, ऑन 31 मार्च 2023 उसकी एसेट्स हैं 15,80,000 की, लाइबिलिटी है 1/80 की। तो देखा जाए यहाँ पे मेरे को एसेट्स गिवन है माइनस लाइबिलिटी, नहीं यार एसेट्स कितनी है 15,80,000 की, लाइबिलिटी है 1,80,000 की, तो कैपिटल आ गई 14,00,000 की। ये कौन सी कैपिटल है, ये ऊपर मैंने लिखी दी है, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। पहले देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया कैसे आई है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करने है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, स्नेहा क्या हो रहा है भाई बेटा, ओपनिंग कैपिटल यही है 10,00,000, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5,80,000, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 10,00,000 की। सारा क्वेश्चन तो स्क्रीन पे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे डायग्राम बना के कर रहा हूँ, मेरे को बता देना आपके स्कूल वाले अगर ऐसा डायग्राम बना के करवा दें, मैं जान के आपको फॉर्मूला बेस्ड नहीं डिपेंडेंट करवाना चाहता कि आप लोग एक उसमें करो फ्लो चार्ट में या समझ के। अब क्वेश्चन में मैंने सब साफ साफ तो लिख दिया, ये ओपनिंग डेट है, देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ये लो गिवन, गिवन का मतलब समझते हो, हिंदी में होता है गिवन मतलब देना, क्वेश्चन में गिवन है 10,00,000। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है 31/3, नया इधर देखो क्वेश्चन में डेटा में गिवन है ना 31/3/23 को एसेट इतनी है लायबिलिटी, तो 31/3/23 मेरा ओपनिंग होता है या क्लोजिंग होता है, पहले ये बोलो, क्लोजिंग होता है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा, तो कौन सी कैपिटल बनी, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। अब प्रॉफिट का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था, क्या क्या कैलकुलेट करना था, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट दोनों हो गए। इतनी लंबी चौड़ी बात थी नहीं वैसे, 43 का ये भी हो गया, 43 का ए होमवर्क के लिए दूंगा फिर तुम्हें, यह हो जाएगा देखना, क्लोजिंग कैपिटल 7,00,000, 7 में से 3 माइनस कर दो 4,00,000, 43 का ए देखना हो गया, वर्बली हो गया बिल्कुल, मनन फोन रखो बेटा, अच्छा टाइम हो भी गया, ये कब हुआ है, आज का लास्ट क्वेश्चन 44, आज का लास्ट क्वेश्चन 44, आज का लास्ट क्वेश्चन, जसप्रीत इधर बेटा, छोड़ो बाकी कल करेंगे।